बिहार में परिवारवाद पर जुबानी जंग, लालू की बेटी को बीजेपी एमएलए की धमकी, मच गया सियासी बवाल। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में विवादित बयानबाजी की बाढ़ आ गई है। देखते ही देखते बिहार में चुनाव के दौरान नेताओं का एक दूसरे पर निजी हमला बेहद निचले स्तर तक पहुंच गया है। दरअसल बिहार की सारण सीट से आरजेडी की उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हाल ही में बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था, जिससे सियासी हंगामा तेज हो गया। रोहिणी आचार्य ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में कहा है कि सम्राट चौधरी के माँ बाप को नहीं जानते, वो किसके बेटे हैं हम उन्हें नहीं जानते, उनके बच्चे हैं या नहीं या सब कुछ पड़ोसियों के ही हैं। अब इस बयान पर सम्राट चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताई और रोहिणी पर पलटवार करते हुए कहा, मेरे बच्चे और परिवार के खिलाफ बोलकर उन्हें हिसाब देना होगा। लालू यादव का परिवार लोकतंत्र में लोक लज्जा छोड़ चुका है, इसका वह गिन गिन कर हिसाब करेंगे और समय आने पर लालू परिवार को जवाब भी देंगे। इससे पहले आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विदेशी बताया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपनी बेटी को सिंगापुर से लाकर सारण से टिकट दे दिया। यही नहीं, उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तेजस्वी यादव क्रिकेट नहीं खेलते थे, लालू यादव ने क्रिकेट में पानी ढोने वाले को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया। जानकारी के लिए बता दें कि सम्राट चौधरी कई मौकों पर लालू यादव और उनके परिवार पर निशाना साध चुके हैं। इस बारे में जब रोहिणी आचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने दीजिए, अगर उन्होंने काम किया होता तो अपना काम गिनाते, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, ऐसे में हमारे परिवार को ही गाली देंगे, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं है।